ओके, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। आज हम अनपैकिंग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस बाटा के मैक्स स्नीकर की। ओके, सो ये एक ऑर्डिनरी स्नीकर नहीं है, ये एक फॉर्मल शूज़ है, ब्लैक फॉर्मल शूज़ बाय बाटा। इनको इन्होंने नाम दिया है मैक्स स्नीकर, बहुत फेमस है ऑनलाइन साइट पे। इसके पहले मेरा मतलब खुद का फॉर्मल शूज पे इतना जोर नहीं था, क्योंकि फॉर्मल ज़्यादा यूज़ नहीं करता था। 300 400 रुपए के ले लेता था, टाइम बिंग के लिए वो चल जाते थे। बट आई टुक सम प्रोफेशनल आई टुक एडमिशन इन सम प्रोफेशनल डिग्री, हाई एंड डिग्री, दैट इज़ वाई उधर फॉर्मल और ब्लैक शूज़ कंपल्सरी है। सो इसके वजह से मैं सोचा एक फुल टाइम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, 2 साल का कोर्स है। तो अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। टॉकिंग अबाउट स्पेशलाइजेशन, आई एम नॉट श्योर, बट यस 80% वो मार्केटिंग ही होने वाला है। द थिंग इज वॉट आई एम गोइंग टू शेयर दिस। ओके, सो ये फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया, अमेजोन से भी आ रहा था एक दिन में, बट अमेजोन बहुत ये लफड़ी कर रहा था कि हमें पैसे पहले दे दो, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है। मैं बोला छट निकल जा, फ्लिपकार्ट से मंगा लेता हूँ। 2 दिन लगे इसको आने में। ओके, सीओडी में आ गया ये, अच्छे तरीके से आ गया ये। बॉक्स वगैरह इन्होंने अच्छे से पैक किया है। ये एक क्या बोल सकते हैं, तो गोनी गोनी का एक रैपिंग लगाया, अंदर बॉक्स ही होगा मुझे पता है। ओके, 1000 रुपये में मिल गया, अराउंड 900 रुपीज़ का था। इन्होंने जो ये है कुछ तो डिलीवरी चार्जेस ली, 60 60 या 55 रुपीज़ कुछ तो डिलीवरी, तो ये 950 हो गया। और 5 रुपीज़ क्यों, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी किया था, तो ये 5 रुपीज़ लेते ज़्यादा। तो ज़्यादा बड़बड़ नहीं करता, पहले ही 2 मिनट हो गए हैं। अच्छा, अनबॉक्सिंग करते करते मैं दिखा बोलता हूँ आपको क्या सीन है इसका। वैसे अगर बात की जाए मैक्स स्नीकर, मतलब ये फॉर्मल शूज के स्नीकर है। ओके, एंड द थिंग इज कि ये ऑक्सफोर्ड टाइप है। ओके, तो जिसको नहीं पसंद है ऑक्सफोर्ड टाइप, मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इसलिए मैंने मंगाया। ओके, मेरे पास वो चूची वाले वो है, मैं फोटो दिखा ही दूंगा बीच में। ओके, वो जो कॉमन होते हैं वो वाले है। ये थोड़ा सा मुझे डिफरेंट साइड लग गया इसलिए मैंने ये मंगा लिया। कचरा तो होने वाला है। द थिंग इज कि बास बहुत अच्छा आ रहा है, इसका जो शार्पनेस है वो चला गया ब्लेड का, क्योंकि इसको यूज़ नहीं करता और कभी भी इससे कुछ भी कर देता हूँ मैं। ऑलमोस्ट बाटा रेमो। ओके, ये रेमो के अंडर आ जाता है, बस निकालते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। फट्टा नहीं साला, गोनी है, फट्टा नहीं। तो अच्छी पैकेजिंग की। ये किधर से आ गया, आई थिंक ये जयपुर से आ गया है। इसके लिए इसको 2 दिन लगे, नहीं तो अगर ये भिवंडी या बैंगलोर से आ जाता तो बैंगलोर से मैक्स 1.5 डेज, और भिवंडी से तो अगले ही दिन आ जाता है, क्योंकि मैं पुणे में रहता हूँ। इसके लिए फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर हूँ मैं, बट कभी कभी ये लेट कर देते हैं। कस से निकलेगा, एटमोस्ट, ओ सॉरी। सो ये है बाटा के रेमो, रेमो OX है, क्योंकि ऑक्सफर्ड है, ब्लैक है। 8 नंबर MRP मैं बोला, 1000 रुपये गए हैं। ओके, 900 में पड़ गए, बट इनमिन हमको पे करना पड़ा उसको 975 रुपीज़। सो ये ऑलमोस्ट 1000 रुपये का हो गया। ओके, 25 रुपीज़ से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, साला पेट भर के वड़ा पाव भी नहीं आता है 25 रुपये में, मुझे तो 4 5 रखते पेट भरने। तो ये हमने डब्बा खोल दिया है। मैं ट्राईपॉड में ज़्यादा हाइट वाला नहीं यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए साइड से होगा। दिस इज बटर पेपर एंड दिस इज वॉट द शूज इज। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या शूज़ है, एक बार बॉक्स के बाहर निकाल देते हैं, क्या चर्चे है शूज़ के देख लेते हैं। कुछ बैग वगैरह मिला है क्या बाटा का, कुछ नहीं मिला है।
बिल की बात करी जाए तो बिल है क्या इसमें? तो बैग में बिल भी नहीं है। अब फ्लिपकार्ट वाले अभी बिल देना बंद किए। वैसे कुछ दिक्कत नहीं बिल की, क्योंकि द सीन इसकी अभी पूरा ई हो गया है, तो डिजिटल आपको सिग्नेचर बिल मिल सकता है ऐप पे, सो दैट इज नॉट द इशू। बट ठीक है, चलो आना इम्पोर्टेंट था। गाइस शूज के और आते हैं, तो एक थोड़ा सा मैं सनलाइट में आपको दिखा देता हूँ कि शूज क्या है। ओके लेट मी फोकस। सो ये है बाटा के रेमो ऑक्सफर्ड शूज, बहुत ही ऑक्सफर्डिश दिख रहे होंगे आपको, नहीं तो आपको ड्रिल शूज दिख रहे होंगे। बचपन की याद आ रही होगी, जब मैं सैनिक स्कूल में था तो हमें ड्रिल शूज थे, ऐसे ही थे। द थिंग वॉज कि इसके नीचे स्टील कैप थे, इधर अभी स्टील कैप नहीं है। द थिंग इसकी गाइस सोल देख रहे हो आप? सोल देख रहे हो, 1 इंच एलिवेटेड है सोल, तो यार पूरा मतलब मजे ही ले लीजिएगा हाइट के। ओके अंदर की तरफ कुछ ऐसे है, बाटा रेमो करके ब्लैक कलर, इधर मुझे फोटो में तो ये ब्राउन कलर के दिखाए थे, बट ये अंदर ऐसे है। ओके एंड द थिंग इज की देयर इज अ स्टिचिंग, ये देख सकते हो आप, देयर इज प्रॉपर, लेट मी फोकस, प्रॉपर स्टिचिंग है। ओके इधर, और ये ऑक्सफोर्ड जैसे शूज के लेस है, एकदम नीट एंड क्लीन। ओके वन मोर थिंग, जो मैं अभी 500 रुपए के 500 या 600 रुपए के है, ओके शूज, मैं फोटो में ओके दिखाई दे दूंगा, तो वो है। तो उसमें क्या सीन होता है, अगर आप किधर कॉरपोरेट ऑफिस में जाते हो तो उनकी जो उनका जो फर्श है, ये देखो ये अभी मेरे घर पे कैसे फर्श लगा है, राउंड बॉटम बड़ा है फर्श, तो ये फर्श पे जो एक अपना स्पार्क का सैंडल भी ले लीजिएगा, नहीं तो ये वाले शूज भी ले लीजिएगा, फिसल जाते हैं। 2-3 बार मैं फिसला था अपने कॉलेज में, तो इसमें आपको देख सकते हो ग्रिपिंग दिया है, मैं रिव्यू तो डाल ही दूंगा क्या सीन है इसका, तो ग्रिपिंग बहुत अच्छा दिया है, तो ये मुझे ज़रूर हेल्प कर देगा मेरी ग्रिप स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, अभी से अच्छा लग रहा है। ओके तो मैं पेन लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ फाइनल रिजल्ट क्या है, बाकी मैं रिव्यू डाल ही दूंगा कभी ना कभी कि क्या फील है, वर्थ इट है कि नहीं पैसों को। ओके चलो, वीडियो बंद करने से पहले थोड़े प्रो और कॉन्स की बात कर दी जाए। ओके मैंने शूज़ पहने नहीं, मतलब अभी पहन के मैं देखा कंफर्टेबल है शूज़, कुछ दिक्कत नहीं। थिंग इसकी 2 इंच आपकी हाइट बढ़ जाती है। क्रीज के बारे में तो इन मिन में कितना 20 या 40 स्टेप्स चल गया, लेकिन इधर क्रीज आ गया। अभी क्रीज क्या करेंगे, ये लेदर शूज़ है तो क्रीज आना ही है। ओके नहीं आ रहा है मतलब ब्रैक्जिन है, वो रिपेयर कर रहा है खुद को, तो लेदर है तो क्रीज आएगा, बट ये क्रीज कितना टाइम चलता है वो तो देखना हमारा काम है। ओके दैट इज वन मोर थिंग, एंड और क्या बोलना है, बाकी शूज एकदम कड़क है, ऑक्सफोर्ड शूज है। एक आप कैंडेचर के दिमाग से देख रहे हो तो ये शूज बहुत परफेक्ट है, शूज की लेसिंग भी बहुत परफेक्ट है दिखने को। एक एक देख लीजिएगा ओवरव्यू, पीछे से आगे से ऐसे कुछ दिख रहा है। ओके तो यही है, बाकी मैं रिव्यू इसका डाल दूंगा 1 महीने के बाद, क्या वर्थ इट है 1,000 रुपये को। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर गाइस, हैव अ गुड डे।